बस कट के निकल दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपको इस प्यारा से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में कुछ स्पेशल बात हम जानेंगे, कुछ हटकर जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो बातें आज कुछ हटकर बात सीखेंगे। दोस्तों आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि मोटिवेशनल डोज आपको दिख रहा होगा कि समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। ये बात सच है दोस्तों। ये जिनको समय निकल चुका उनसे आप जाके पूछिएगा कि समय के क्या कीमत होता है, और आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा दोस्तों। आपको ये लग रहा होगा इस समय बैठे हैं लॉकडाउन में, कोई कोचिंग नहीं चल रहा, कोई ये नहीं चल रहा, तो आपको ये लग रहा होगा कि मतलब इस समय क्या किया जाए। और एक बात है और है दोस्तों कि काफ़ी तो टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि अप्रेंटिस IUCLC करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम करें कि ना करें, ये भी काफ़ी दोस्तों का है। तो कुछ अनाप शनाप को क्वेश्चन भी दिमाग में चल रहा है काफ़ी दोस्तों को, तो मैं उसको भी क्लियर करूंगा दोस्तों। लेकिन आपको जो ये मोटिवेशनल डोज दिख रहा है इसको आपको केयर करना है दोस्तों। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा दोस्तों कि डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ही बहुत कीमती चीज़ है, और इस टाइम के पैरेलल आप चलेंगे तो शायद आप सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि समय को आप वेस्ट न कीजिए, अपने समय को इस समय लॉकडाउन में है तो इतना उसको यूज कीजिए कि प्रिपरेशन के लिए बूस्ट करें, पढ़ाई स्टडी जो भी होगी प्रिपरेशन के लिए बूस्ट करें। मैं बताऊँ दोस्तों कि काफ़ी दोस्त ये करें कि ज्वाइन करे जाए या ना करा जाए, अप्रेंटिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने तो एग्ज़ाम भी दिया, IUCL का क्रैक भी कर लिया, DV भी हो गया, काफ़ी लोग का जो है कि ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, काफ़ी दोस्त कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। तो मैं जो सोच रहे हैं सस्पिशन में है कि किया जाए या ना किया जाए, करने के जो है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने में स्टडी होगा या नहीं, तो मैं बता दूं यदि आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो न करके आपको क्या फ़ायदा होगा आप बताइए। यदि आप मानते हैं कि 1 ईयर के बाद आपको जो है कि IUCL वाले आपको निकाल दिया जाएगा, ये बात तो सच है दोस्त। और आपको निकालने के बाद ऐसा आप ही को नहीं निकाला जाएगा, जितने भी आपके ग्रुप के जितने भी हर साल अप्रेंटिस ट्रेनिंग हो रहा है वो हर साल आपको निकाला जाएगा दोस्तों, तो सबको निकाला जाता है। तो आप न करके क्या फ़ायदा पाएंगे, करके क्या फ़ायदा। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज के समय में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है पैसा। यदि आपके पास मनी है तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है, और काफ़ी जो कि तनाव उससे जो है कि सॉल्व हो सकता है। तो आज के समय सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा दोस्तों। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यदि आप अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं और आप हैं डिप्लोमा होल्डर, तो 3 साल के बाद तो आप जो है कि ऐसे ही एलिजिबल नहीं रहेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप करने के लिए। ITI है तो 3 साल बाद कर सकते हैं, लेकिन जो जब अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो जो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसको छोड़ने से आने वाले समय में आपको पछतावा होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि दोस्तों आप अप्रेंटिस को ज्वाइन कीजिए, आप ये सस्पेंशन में ना पीजिए, कन्फ्यूजन में ना पड़िए कि ज्वाइन किया जाए या ना किया जाए। तो उसको ज्वाइन कीजिए, जो भी स्टाइपेंड मिल रहा है आपको उस स्टाइपेंड से काफ़ी हेल्प होगा। आप जो है कि उसको जो है कि सेव करके रख सकते हैं, आने वाले समय में एग्ज़ाम दे सकते हैं, इधर उधर ट्रेवल कर सकते हैं, आपको जहाँ मतलब कई फॉर्म दूर डिस्टेंस पे भी फॉर्म सेंटर बन जाता है एग्ज़ाम देने को, वहाँ भी जा सकते हैं। तो आप देखा जाए तो काफ़ी वो हेल्प करेगा दोस्तों। तो आप ये ना सोचिए कि किया जाए या ना किया जाए। हाँ एक और बात है कि काफ़ी दोस्त ये कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। मैं आपको बता दूँ कि ज्वाइनिंग लेटर अब हमको भी नहीं पता है, आपको भी क्या पता हो, कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है। तो देख ही रहे कोविड का केस चल रहा है, तो ये सब कोविड की वजह से पूरा जो है कि सारा ये काम रुक चुका है स्टूडेंटों का। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा भी, अगर आ भी जा रहा है, जैसे अपडेट आएगा तो मैं इन्फॉर्म तो करूँगा भी। और अब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आप लोग का जो है कि ट्रेनिंग जो है कि ऑनलाइन ही होगा, घर बैठे ही हो रहा है सर हर एक डिवीज़न में। तो ज़्यादा सस्पेंशन न पड़िए दोस्तों। और मैं आपको यही अंत में ये कहना चाहूँगा कि अपने समय को काफ़ी जो है कि ध्यान दीजिए इस समय लॉकडाउन में। आप ये सोचेंगे कि जब कॉल लेटर आएगा, जो एग्ज़ाम आएगा तो स्टडी किया जाएगा, तो ये भूल कर आप ये ना सोचिएगा दोस्तों। पढ़ाई को अपने कंटिन्यूटी बनाए रखें और कंटिन्यू चलते रहिए। हाँ नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे तो 2 या 3 से 4 तो 2-3 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं बहुत, अगर नहीं भी मन पढ़ने का मन करे तो 2-3 घंटा पढ़ सकते हैं। तो कुछ थी ऐसी बातें दोस्तों, मैं सोचा कि
कुछ बता दिया जाए, जो भी बात है। काफ़ी दोस्तों को सस्पेशन था, को क्वेश्चन था, क्यूरी था कि किया जाए ना किया जाए। और जो समय है उसको, समय के बारे में भी आपको बताया जाए कि हाँ, आप ये ना सोचिए कि आने वाले समय में क्या होगा, बस अपने जो है कि कर्तव्यों को पालन कीजिए और अच्छे कर्म करते चलिए, और पढ़ाई पे अपना जो है कि फोकस कीजिए दोस्तों, अपने नोट्स वगैरह पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।